now we will discuss reporter gene uh, which is used in luciferase reporter assay uh, this reporter gene is attached to a regulatory sequence of another gene of interest in bacteria and uh, we have uh, already discussed that this uh, gene of interest is uh, placed upstream of the reporter gene and this reporter gene which we used in luciferase reporter assay is normally luciferase a reporter gene expression ज एक्सपोर्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ रेगुलटरी एलिमेंट सो जहर है जिस हिसाब से uh, रिपोर्टर जीन uh, जो है तो उसी की एक्टिविटी से हम uh, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको करते हैं रिज्यूज एन इंडिकेशन ऑफ वेदर सर्टन जीन बिन टेकन अपर एक्सप्रेस्ड इन पर्टिकुलर सेल्स और नॉट तो उसकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर देखा जाता है कि वो जीन एक्सप्रेस हुई है या नहीं हुई आ, ये इट शुड बी इजी टू टू एसे और डिटेक्ट इसमें बहुत ज्यादा एक लेंथी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए आ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए तो जाहिर है उस हिसाब से आ, हम रिपोर्टर जीन जो ऐसे है उसको परफॉर्म करने के लिए देखते हैं कि जो भी हम रिपोर्टर जीन यूज करें उसकी एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो बहुत लेंथी ना हो

उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले से एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए जाहिर है अगर पहले से वहाँ मौजूद होगी तो हमारी जो रिपोर्टर जीन है वो भी सिग्नल देगी और जो पहले से उसमें जो जीन मौजूद है उसकी वजह से सिग्नल ले लेगा तो इस तरह से आ, वो कन्फ्यूजन होगी कि हम पर्टिकुलर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आ, उसको हम देखना चाहते हैं तो उसकी वजह से जो लोमिन सेंस है वो कैसी है और जो उसमें ऑलरेडी मौजूद थी उसकी वजह से वो सिग्नल है वो कैसा होगा तो इसलिए यहाँ ये यह देखा जाता है कि जो भी हम रिपोर्टर जीन यूज करें वो ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस ना हो रही हो अदरवाइज हमें प्रॉब्लम उसमें आता है एग्जाम्पल्स विच आर यूज एज अ रिपोर्टर जीन्स उसमें लूसीफरन एंजाइम जीन है विच कैटेलाइज रिएक्शन विद लूसीफरीन टू प्रोड्यूस लाइट इसी तरह बहुत सारी और रिपोर्टर uh, जीन भी हैं जिसमें जेलीफिश ग्रीन फ्लोरसेंट प्रोटीन होती है जिसकी वजह से उस जेलीफिश में ग्रीन कलर है वो आएगा विच कॉज इट टू ग्लो ग्रीन एंड ब्लू लाइट इसी तरह से बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि अपना स्पेसिफिक सिग्नल देते हैं जैसे सिक्रिटरी अल्कलाइन फर्स्फेटेस है इसको भी हम डिफरेंट सिस्टम में यूज करते हैं इसी तरह क्लोरोफिनाइल फिनाइल एसटाइल है इसी तरह और कई जो रिपोर्टर जो जीन होती हैं उनको भी यूज किया जाता है मगर सब में एक ही होगा कि जब वो जीन एक्सप्रेस होगी उसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंजाइम बनेगा और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगा जब रिएक्शन होगा तो जाहिर कोई सबस्टेट जो है वो चेंज होगी इनटू प्रोडक्ट जैसे यहाँ लूसी चेंज हो रही है ऑक्सी में और हमें लाइट इमिशन मिलती है तो इसी तरह कोई भी हम रिपोर्टीन यूज करें तो उससे हमें जाहिर एक सिग्नल जो मिलता है उसको हम किसी डिटेक्टर के जरिए मै कर लेते हैं द सेलेक्शन ऑफ रिपोर्टर जीन डेट कोर्स डिपेंड्स ऑन नीड्स एंड अवेलेबल डिटेक्शन स्ट्रेटजीज जो हमारी जरूरत है और जो अवेलेबल डिटेक्शन सिस्टम होता है उसको मद्देनजर नज़, रखते हुए हम ये देखते हैं कि हमने आ, कौन सी रिपोर्टर जीन जो है उसको यूज करना है तो जो हमारी डिटेक्शन लिमिट्स होती हैं जो हमारी नीड्स होती हैं उनके मुताबिक हम अपनी रिपोर्टेड जीन जो है उनको सिलेक्ट करते हैं और इस तरह उस सिस्टम में आ, जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसको हम हयर करके उस जिनकी की एक्सप्रेशन देख सकते हैं